आज हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका नाम है अ हैप्पी इवेंट, और ये एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप मूवी है, और आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी। तो आइए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लड़की को बेड पर देखते हैं, जो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से काफी अनकंफर्टेबल है, और फिर वो हमें फ्लैशबैक में ले जाती है और बताती है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। इस लड़की का नाम बारबरा है, जो ग्रेजुएशन कर रही है। वो एक वीडियो शॉप पर कुछ रोमांटिक मूवीज की डीवीडीज खरीदने जाती है, जहां वो पहली बार उस शॉप में काम करने वाले क्लर्क निकोलस से मिलती है, जिसे हम निक कहकर बुलाएंगे। बारबरा सबसे पहले जिस डीवीडी को खरीदती है उसका नाम होता है इन द मूड ऑफ लव, जो इशारा था कि बारबरा सिंगल है, और इस तरह वो कई बार रोमांटिक मूवीज की डीवीडीज लेने आती है। लेकिन वहाँ का शॉप ऑनर निक से कहता है कि वो लड़की उसके लिए काफी हॉट है, और वो निक को उस लड़की को पटाने के टिप्स देता है। और अगली बार जब बारबरा शॉप पर आती है, निक उसे कुछ बेहद ही रोमांटिक मूवीज की डीवीडीज दिखाता है, लेकिन बारबरा उन डीवीडीज को नहीं खरीदती। वो उसे टीज करने लगती है और कोई साइंस फिक्शन मूवी की डीवीडी लेकर वहां से चली जाती है। निक उसे अपने दिल का हाल बताने के लिए डीवीडीज का सहारा लेता है, और उनका एक क्यूट सा खेल शुरू हो जाता है। बारबरा एक मूवी की डीवीडी खरीदती है जिसका नाम होता है कैच मी इफ यू कैन, और निक समझ जाता है कि अब उसे मिशन गर्लफ्रेंड पर पूरी तरह फोकस करना है, और उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन निक बारबरा से कहता है कि उसे एक बच्चा चाहिए। बारबरा भी जोश के साथ कहती है लेट्स डू इट, और उनका बेबी लव कार्यक्रम शुरू हो जाता है, और फाइनली बारबरा प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर वो निक से मिलती है। निक समझ जाता है कि फाइनली उनका मिशन पूरा हुआ। बारबरा की प्रेगनेंसी सिकनेस शुरू हो जाती है, और वो अपनी डॉक्टर से मिलती है, जो उसे बताती है कि उसे इस समय किन किन फूड्स को अवॉइड करना है क्या नहीं करना है, और अगर उसकी कोई सासू माँ है तो बारबरा को उनकी किसी भी बात को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बारबरा और निक बारबरा की मॉम के पास जाते हैं, और बारबरा उन्हें नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी मॉम समझ जाती है। उसकी मॉम को लगता है कि माँ बाप बनने के लिए उनकी उम्र काफी छोटी है। वापस आकर बारबरा को भी यही लगता है कि वो नादानी कर रहे हैं, क्योंकि उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो बच्ची थी तो जल्दी से बड़ा होना चाहती थी, और निक में भी पापा बनने जैसे कोई गुण नहीं है। वो दिन भर कॉमिक्स पढ़ता रहता है, लेकिन निक पापा बनना चाहता है, और दोनों इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बारबरा अपने पहले अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है, और निक यहाँ इमोशनल हो जाता है, और घर आकर वो टीवी पर अपने बच्चे की वही अल्ट्रासाउंड वाली वीडियो देखती है, और उसके बाद शुरू होता है बारबरा का मूड स्विंग का प्रोग्राम। वो वेज है लेकिन नॉन वेज खाने लगती है, हंसते हंसते रोने लगती है, कभी कभी बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाती है, लेकिन निक कहता है सॉरी मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे उनका बच्चा उन्हें वो सब करते हुए देख रहा है। और अपनी इस भूख को मिटाने के लिए बारबरा अपनी फ्रेंड के साथ टॉय शॉप जाती है, और वहां से एक आर्टिफिशियल टॉय खरीदती है, क्योंकि निक फिलहाल कुछ करने के मूड में नहीं है। फिर वो दोनों पहली बार अपने बच्चे को मूव होते हुए फील करते हैं। डॉक्टर उन्हें बताती है कि उनका होने वाला बच्चा एक लड़की है, लेकिन बारबरा नहीं चाहती थी कि डॉक्टर उसके बच्चे का जेंडर रिवील करे। डॉक्टर कहती है उन्हें आज नहीं तो कल पता चलने ही वाला है। फिर वो दोनों अपने होने वाले बच्चे का नाम सजेस्ट करते हैं, और बेबी के लिए शॉपिंग शुरू कर देते हैं। वो स्टॉलर्स खरीदते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस देखने के बाद उन्हें लगता है कि स्टॉलर उनके बच्चे के लिए सेफ नहीं है। बारबरा प्रेगनेंसी क्लास ज्वाइन कर लेती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता, और क्लासेस छोड़कर वो मूवी देखने चली जाती है। उसे रात में अजीब अजीब से वहम होने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि उसके कमरे में पानी भर गया है और वो डूब रही है, जिसका मतलब है कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। और हमें पता चलता है कि निक के अंकल बारबरा के डॉक्टर हैं, जिस वजह से बारबरा काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। नॉर्मल डिलीवरी थी, इसीलिए उसे काफी पेन भी हो रहा था। डिलीवरी के दौरान निक बारबरा के साथ था उसे चेयर अप करने के लिए। डॉक्टर जैसे ही बच्चे को आसानी से बाहर निकालने के लिए सीजर का यूज करता है, और ये देख निक वहीं पर बेहोश हो जाता है। फाइनली बेबी इस दुनिया में आ जाता है, और बारबरा उसे देख सारे दर्द भूल जाती है, और पहली बार अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, और ममता से भर जाती है। बाद में डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को ट्रेनिंग देने के लिए बारबरा को एज अ मॉडल यूज करता है, फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और अब शुरू होती है असली कहानी, जब बच्चे की वजह से बारबरा की रात की नींदें खराब होने लगती है, और वो बैठे बैठे कहीं भी सो जाती है। निक बेबी का वीडियो बनाता है, क्योंकि बारबरा के डैड उसे देखना चाहते थे, लेकिन बारबरा अपने डैड से नफरत करती है, क्योंकि वो उसे 4 साल की उम्र में छोड़कर चले गए थे।
बेबी को सुलाकर दोनों रोमांस करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी बेबी रोने लगती है और बारबरा उसे लेकर रूम में आ जाती है और तीनों साथ में सोते हैं और दोनों की नींद पूरी नहीं हो पाती। और एक दिन बारबरा संडे के दिन अलार्म लगाकर सो जाती है क्योंकि आज फ्रिज सही करने वाले आने वाले थे, जिस वजह से निक उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसे बस संडे मिलता है आराम करने के लिए और उसे आज ही फ्रिज की सर्विस करवानी थी। दोनों लड़ने लगते हैं। बारबरा कहती है कि वो अकेला नहीं है जो थका हुआ फील कर रहा है, वो भी पूरा दिन नौकरानी की तरह काम करती है। फाइनली निक अपनी मॉम को बारबरा की हेल्प के लिए घर बुला लेता है, लेकिन बारबरा को अपनी सासू माँ का कंट्रोलिंग नेचर पसंद नहीं आता। वो चाहती है कि बारबरा अब बेबी को बाहर का दूध पिलाना शुरू कर दे क्योंकि बारबरा का दूध काफी नहीं है बेबी के लिए। लेकिन बारबरा कहती है कि माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, बहू और सास में नहीं पटती, और निक अपनी माँ को वापस भेज देता है। बारबरा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना चाहती है और निक भी, लेकिन दोनों अपनी माँ को नहीं बुलाना चाहते बेबी सिटिंग के लिए, इसीलिए वो एक बेबी सिटर को ढूंढते हैं। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि बेबी सिटर बेबी के साथ कैसे पेश आते हैं, वो अपने नेबर को रात भर के लिए उनके बेबी का ध्यान रखने को कहते हैं और पार्टी करने चले जाते हैं। बारबरा पार्टी में ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और जब वो वापस आती है उसे पता चलता है कि बेबी को निक पहले ही पिक कर चुका है और बारबरा निक और बेबी को साथ में सोते हुए देखती है और फिर वो सोफे में जाकर सो जाती है। सुबह निक बेबी को दूध पिलाता है। बारबरा पूरा दिन सोती रहती है और जब वो उठती है तो देखती है कि उसकी माँ बेबी की टेक केयर कर रही है। जब निक घर आता है वो उससे पूछती है कि उसने उसकी माँ को क्यों बुलाया। निक कहता है क्योंकि वो होश में नहीं थी। फिर दोनों अपने रिश्ते को सुधारने के लिए वैकेशन पर जाने का फैसला करते हैं। वो एक खूबसूरत बीच पर जाते हैं जहाँ निक दूसरी सुंदरियों को ताड़ रहा होता है और बारबरा उसे ताड़ते हुए देख लेती है और उस पर नींबू पानी फेंक देती है। दोनों फिर इंटीमेट होते हैं, लेकिन वापस आकर दोनों की लाइफ फिर से पहले जैसी हो जाती है। निक को बेबी की वजह से सोफे पर सोना पड़ रहा था, जिस वजह से वो टाइम पर नहीं उठ पाता और मीटिंग के लिए लेट हो जाता है। इस वजह से वो बारबरा पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसे शायद होटल में अपने लिए एक रूम लेना पड़ेगा ताकि वो बेड पर सो सके। बारबरा उससे कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास जाना चाहती है। निक कहता है उसे जहाँ जाना है जाए, लेकिन उसकी बेटी को वो कहीं नहीं ले जा रही। बारबरा अपनी माँ के पास रहने चली जाती है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है। वहाँ घर पर निक बेबी का ध्यान रखता है। बारबरा के बिना भी वो बेबी को अच्छे से मैनेज कर रहा था। उधर बारबरा को भी समझ आ गया था कि वो अब एक माँ है और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए। फिर वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। उसके बाद वो निक के पास आती है और दोनों के बीच एक अच्छी बातचीत होती है और निक बताता है कि उसने बेबी को डे केयर में भेजना शुरू कर दिया है। उसके बाद बारबरा उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।